Hey everyone, this is Sarish Mushtaq from Pro Chef at Home. Welcome to my kitchen, the Pro Chef at Home kitchen. आज मैं आप सबको बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, ये स्पेशल छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो सुन लीजिए बच्चों की माई, आज मैं उन सबको बनाने सिखाऊंगी एक ही बैटर के साथ तीन चीजें। तो सबसे पहले हमारी रेसिपी जो है वो है पैनकेक, उसके बाद है फ्लफी पैनकेक और हमारी लास्ट वन है क्रैक्स है, जो हमारे स्वीट से क्रैक्स होते हैं। अक्सर बच्चे हैं जो खाना नहीं खाते ठीक से, तो ये उनके लिए स्पेशल, उनकी माओ के लिए, कि वो परेशान ना हो। आप लोग ये अपने घर में रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चले चलते हैं, सबसे पहले बनाते हैं हमारी रेसिपी। तो ये लीजिए, ये है हमारा पैन केक जिसको मैंने चॉकलेट के साथ सर्व किया है, और ये है हमारा फ्लफी पैन केक जिसे मैंने व्हिप क्रीम के साथ सर्व किया, और इसी के साथ है हमारी फ्रेंच क्रैब्स जिसे मैंने स्ट्रॉबेरी के साथ स्टफ किया है। तो चले चलते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। फ्लावर, मिल्क, एग वाइट, स्ट्रॉबेरी, एग, शुगर, मिल्क पाउडर, वनीला एसेंस और इसी के साथ बेकिंग पाउडर। तो चले चलते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपना बेसिक बैटर। एक कप मैदा, चीनी ज़रूरत के हिसाब से, एक फेंटा हुआ अंडा, एक बड़ा चम्मच वनीला एसेंस, एक बड़ा चम्मच सूखा दूध। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और दूध को हम लोगों ने एकदम से एक साथ नहीं डालना, हमने दूध को आहिस्ता आहिस्ता डालना है और मिक्स करते जाना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक कप दूध यूज़ किया है। देखें हमारा बैटर जब इस तरह हो जाए तो आप लोगों ने फिर से दूध लेकर उसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाना है और उसे मिक्स करते जाना है। तो ये देखें, ये हमारा जो बेसिक बैटर है वो रेडी हो गया है। अब हम इसी बैटर के साथ हमारे दूसरे सारे बैटर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेडी करेंगे फ्लफी पैनकेक का बैटर। सबसे पहले हम लोग तीन अंडों की सफ़ेदी लेंगे बीटर से, उसको बीट करेंगे, विक्सिंग करेंगे उसकी। उसको तब तक हम लोगों ने विक्स करना है जब तक के वो एक फ्लफी फॉर्म में ना आ जाए, इस तरह से। अब हम लोगों ने करना क्या है, एक बॉल में बेसिक जो बैटर है हमने वो लेना है, और इसी के साथ अभी जो हम लोगों ने सफ़ेदी बनाई है, सफ़ेदी का एक फ्लफी सी फॉर्म बनाई है उसकी, उसको इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। कुछ इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से इसको मिक्स करना है। ये देखें ये मिक्स हो गया है। अब थोड़ी थोड़ी सी सफ़ेदी डालनी है और उसे मिक्स करते जाना है। गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए इसमें, आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखें हमारी जो हमारा जो पैनकेक फ्लफी पैनकेक का बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं हमारे पैनकेक के बैटर की तरफ। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर भी आप लोगों ने एक बेसिक बैटर लेना है, और इसमें 2 से 3 पिंच आप लोगों ने बेकिंग पाउडर ऐड करना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने फ्रेंच क्रैब्स की तरफ। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। हम लोगों ने फिर से एक बार बेसिक बैटर लेना है और 4 से 5 चम्मच दूध ऐड करना है, उसमें मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा करके, इसमें भी आप लोगों ने मिक्स करना है। ये जो बैटर होगा बहुत ही पतला होगा, ना ये ज़्यादा पतला होगा ना ये ज़्यादा थिक होगा, कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट लेट्स कुक पैनकेक। एक प्लेट लेनी है आप लोगों ने, उसमें पैनकेक का बैटर ऐड करना है और कुछ इस तरह से उसमें तवे के ऊपर या पैन के ऊपर आप लोगों ने इसको इस तरह से फैला देना है, और एक साइड हम लोगों ने इसकी 1 मिनट के लिए पकानी है, बिल्कुल हल्की आंच से, थोड़ी सी दरमियानी आंच पर। और आपने बहुत ही प्यार से इसकी साइड को चेंज करना है। पहले स्पैचुला की मदद से आप लोगों ने इसकी साइडों को देख लेना है कि वो कुक हुई अच्छी तरह से, पकी हैं कि नहीं, फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। तो हमारी एक साइड पक चुकी है, अब हम इसकी दूसरी साइड पकाएंगे 1 मिनट के लिए। तो ये लीजिए हमारा पैनकेक रेडी है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ, यानी के लेट्स कुक फ्लफी पैनकेक।
आप लोगों ने सेम पैनकेक जिस तरह से हमने बनाया उसी तरीके से आप लोगों ने फ्लफी पैनकेक भी बनाना है। ने इसकी भी पहले एक साइड को एक मिनट के लिए कुक करना है और फिर दूसरी साइड को भी आप लोगों ने एक मिनट के लिए कुक करना है। हल्की आंच से दरमियानी आंच के दौरान पकाना है आपने इसको। तो ये लीजिए हमारा फ्लफी पैनकेक भी रेडी हो चुका है। तो लेट्स कुक फ्रेंच क्रैब्स। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं फिर से फ्रेंच क्रैब्स का बैटर और कुछ इस तरह से आप लोगों ने इसको तवे के ऊपर डालना है और उसको फैला देना है। आपने फौरन फौरन से इसको फैला देना है इसके पकने से पहले ही। तो ये देखें कुछ इस तरह से आप लोगों ने इसको तवे के ऊपर यूं फैला देना है और इसकी एक साइड को आप लोगों ने तकरीबन 30 से 40 सेकंड पकाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं यानी बहुत ज़्यादा पतला होता है तो इसीलिए ये जल्दी से पक जाता है। तो आप लोगों ने फौरन से इसकी साइड को चेंज करना है और सेम उसी तरीके से आप लोगों ने 30 से 40 सेकंड आप लोगों ने इसको दूसरी साइड को भी पकाना है। हमारे फ्रेंच क्रैब्स भी रेडी हो चुके हैं, अब हम इसकी स्टफिंग करते हैं। व्हिप क्रीम के साथ मैं इसको स्टफ कर रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ इसके ऊपर व्हिप क्रीम। अच्छी तरह इसके ऊपर व्हिप क्रीम फैला दूंगी और उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी इसके ऊपर लगाकर इसको फोल्ड कर देना है। बस इतनी सी बात थी। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पर आप लोगों को मैंने एक ही बैटर के साथ तीन चीज़ें बनाना सिखा दी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सेम रेसिपी वही होती है, बस उसमें से एक या दो चीज़ें कम हो जाती हैं या ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं आप। और इसी के साथ हनी शायद लिया मैंने और इसके ऊपर लगा दिया। आप चाहे तो चॉकलेट भी ले सकते हैं और स्ट्रॉबेरी की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये लीजिए हमारे मज़ेदार से पैनकेक, फ्लफी पैनकेक और फ्रेंच क्रैब्स रेडी हो चुके हैं। आप खुद भी खाएँ, अपने बच्चों को भी खिलाएँ और इन्जॉय करें। कैसी लगी आप सबको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और सबसे जरूरी बात, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपको फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।